हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस सो गाइस आज सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ये क्वेश्चंस पूछे गए थे यूजीसी नेट जून 2024 के एग्जाम में कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के ही क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे ऑल दो ये जो एग्जाम था वो कैंसिल हो गया लेकिन क्वेश्चन हमारे पास है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें सो so दैट आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारे जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो सके स्टार्ट so करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट एमसीक्यूज स्टडी क्लासेस हैज वेरियस कोर्सेज फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन यू कैन चेक आउट दीज कोर्सेज ऑन स्टडी क्लासेज वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर वट इज नॉट अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेस तो सर्विस की डिस्टिंगटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है ये हमें बताना है ध्यान से पढ़ने क्वेश्चन बोला गया है हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें बताना है कौन से डिस्टिंगटिव कैरेक्टरिस्टिक सर्विस की नहीं है द ऑप्शन बी हैव इज टेंजिबिलिटी इनसेप्रेबिलिटी वेरेबिलिटी एंड परशेबिलिटी तो ये पर्शेबिलिटी वेरेबिलिटी एंड इनसेपरेबिलिटी ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सर्विसेस की राइट। right? इसके अलावा जो टेंजिबिलिटी है ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इन टेंजिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सर्विस की ना कि टेंजिबिलिटी इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट right आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्टिकुलर कंबिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इट्स प्राइस द मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग इट एंड द बेस टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर्स इज तो एक क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट प्राइस उसको प्रमोशन जो हम करते हैं उनके मेथड्स और ऐसे तरीके ऐसे बेस्ट जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर जो भी हमारी प्रोडक्शन साइट है उससे हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं वो कौन सी चीजें जिसमें ये सारी चीजें आती हैं राइट right? यानी कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है फोर पीज की बेसिकली बात हो रही है टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट टॉकिंग 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 अबाउट 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 प्राइस प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर इज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली राइट फोर पीज की बात यहाँ पर हो रही है ऑप्शन हमें दिया गया है मार्केट मार्केटिंग मार्केटिंग मिक्स या फिर मार्केट सिगमेंटेशन सो वी ऑल नो कि फोर पीज किसका पार्ट है फोर पीज हमारा पार्ट है मार्केटिंग मिक्स के इसलिए हमारा यहाँ पर राइट right आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेस्ड ऑन फ्यू की अजम्पन्स दे आर तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कि पी जो हमारा कंसेप्ट है वो कुछ अजम्पन्स पे बेस्ड है आपको बताना है वो अजम्पन्स यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है प्रोडक्ट्स हैव लिमिटेड लाइफ सेकेंड इज प्रोडक्ट सेल्स पास थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस ईच पासिंग डिफरेंट चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स टू द सेलर C is it occupies most desirable position in consumer's mind, making the brand almost impregnable. It erects outposts to product a weak front or support a possible counterattack. E is profits rise and fall at different stages of the life stages. So other apkopi el se concept. उसकी डेफिनेशन भी पता है तो आप इनकी एजम्शन को यहाँ पर अच्छे से पता लगा सकते हैं तो देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट की लिमिटेड लाइफ होती है यस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ही बोला जाता है कि प्रोडक्ट की लिमिटेड लाइफ होती है इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेच्योरिटी डिक्लाइन जिसमें डिफरेंट चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम एक सेलर फेस करता है तो बी भी, भी बिल्कुल सही है इसके बाद बोला जा रहा है कि इसकी हेल्प से हम कंज्यूमर्स की माइंड में एक डिजायरेबल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से जो ब्रांड है उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता राइट right? तो देखिए ये कोई एजम्शन नहीं है हमारे पीएलसी की पीएलसी में ऐसा कुछ नहीं होता है इसके बाद बोला जा रहा है कोई कोई वीक पोजीशन अगर हमारी मार्केट में है या फिर कोई कंपटीशन कोई कम्पिट हमारा कॉम्पिटिटर है जिसने कोई स्ट्रेटजी ऐसी बना रखी है उसको काउंटर अटैक करने के लिए हम जो है वो पीएलसी को यूज करते हैं तो पी ऐसी, ऐसी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इसके बाद बोला जा रहा है कि जो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होती है एक प्रोडक्ट की उसमें जो प्रॉफिट्स हैं वो राइज और फॉल होते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर बनेगा ए बी एन ओनली राइट सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर क्योंकि ए बी ई ये तीनों ही जो हैं वो assumptions है वो अजम्शन हैं पी एल सी की नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग डज नॉट इंक्लूड तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग की हमारी वेरियस फॉर्म है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स में से नीचे दी गई एडवर्टाइजिंग फॉर्म में से कौन सी नहीं है तो चार तरह की एडवर्टाइजिंग फॉर्म्स यहाँ पर दी गई हैं इंफॉर्मेशनल अपील्स टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन एंड प्रिंट एडवर्टाइजिंग। सो एक बार पढ़ने में चारों ही आपको फॉर्म्स लगेंगी लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग विच इंक्लूड सो ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है हम सभी जानते हैं टेलीविजन एडवर्टाइजिंग भी हमने देखी है प्रिंट एडवर्टाइजिंग भी हमने देखी है राइट right? सो so, ये तीनों ही हमारी फॉर्म्स हैं एडवर्टाइजिंग की लेकिन इंफॉर्मेशनल अपील्स ये एडवर्टाइजिंग की फॉर्म्स नहीं है एडवर्टाइजिंग की हमारे पास कुछ अपील्स होती हैं जैसे कि इन्फॉर्मेशनल अपील हो गई रैशनल अपील है इमोशनल अपील है तो ये अपील्स हैं है इन्फॉर्मेशन अपील इज अ फॉर्म ऑफ अपील इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट सो यहाँ पर जो प्रिंट एडवर्टाइजिंग दिया गया है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है और टेलीविजन एडवर्टाइजिंग है ये तीनों ही हमारे फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है लेकिन इन्फॉर्मेशनल अपील ये फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग नहीं है इसलिए राइट right आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है एक तरफ हमें प्राइसिंग के टाइप्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका मीनिंग दिया हुआ है प्राइसिंग के टाइप्स में हमारे पास है मार्कअप प्राइसिंग टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग एंड ऑक्शन प्राइसिंग हमें इनके मीनिंग के साथ इनको यहाँ पर मैच करना है तो देखो जो मीनिंग में दिया गया है उनको वन बाय वन पढ़ते हैं तो सबसे पहले बोला जा रहा है स्टार्टिंग विद रेट ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्टिव एंड देन सेटिंग प्राइस दैट विल डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए उस ऑब्जेक्टिव से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अचीव करने के लिए हम प्राइस को सेट कर रहे हैं तो इस प्राइसिंग को हम बोलते हैं टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग बी के साथ फर्स्ट को मैच करेंगे देन एडिंग स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट एंड प्रोफिट तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट और प्रॉफिट है जब उसे हम प्राइस में एड करते हैं तो इट इज कॉल्ड मार्कअप प्राइस ए के साथ हमारा बी मैच हो जाएगा देन फॉर्म्स डिस्पोजिंग ऑफ एक्सेस इन्वेंट्रीज और यूज गुड्स तो अगर आपको जो यूज गुड्स हैं या फिर जो एक्सेसिव इन्वेंट्री कंपनी के पास हो गई है उसको अगर डिस्पोज करना है उसको सेल कर देना है तो उसके लिए हम ऑक्शन करते हैं ऑक्शन प्राइसिंग इसके लिए यूज करी जाएगी और इसके बाद बोला जा रहा है एडिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट सचेज बायर्स इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वारंटी क्वालिटी कस्टमर सपोर्ट एंड अदर सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट जब इन सभी को कंसिडर करके हम प्राइसिंग सेट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग जो भी इसकी क्वालिटीज है हमारे प्रोडक्ट की उन सभी को हम उसकी जो वैल्यू है उसको कहीं ना कहीं एड कर रहे हैं प्राइस में तो सी के साथ हम मैच कर देंगे फोर को राइट right आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड प्राइसिंग सो कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड प्राइसिंग का कौन सा की एलिमेंट नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है चार ऑप्शन है हमारे पास रेफरेंस प्राइस इमेज प्राइसिंग प्राइसिंग क्यूज या फिर प्राइस इन डिफरेंस बैंड सो देखिए यहाँ पर कंज्यूमर साइकोलॉजी की यहाँ पर बात हो रही है हमें एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है तो so, ये जहां तक बात है रेफरेंस प्राइस की इमेज प्राइस की प्राइस क्यूज की कहीं ना कहीं ये प्राइसिंग से रिलेटेड है ये स... साइकोलॉजी से रिलेटेड है हमें कंज्यूमर साइकोलॉजी को भी साथ में लेकर के चलना है सिर्फ प्राइसिंग को हमें यहाँ पर नहीं देखना है कंज्यूमर प्राइसिंग और साइकोलॉजी को अगर आप साथ लेकर देखेंगे तो रेफरेंस प्राइस इमेज प्राइसिंग और प्राइसिंग क्यूज तीनों ही कही कहीं ना कहीं कंज्यूमर साइकोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन प्राइस इन डिफरेंस कब ये तो हमारा इकोनॉमिक से रिलेटेड हो जाता है साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है इट्स नॉट रिलेटेड टू कंज्यूमर साइकोलॉजी इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग लॉजिस्टिक्स डिसीजन इन प्रॉपर सीक्वेंस विगनिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के जो डिसीजन हम ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं हमें स्टार्ट टू एंड यहाँ पर उसको सीक्वेंस में लगाना है चार ही ऑप्शन हमारे पास हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वेंट्री बेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन राइट सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा so, देखिए जब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स की तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी राइट right? तो so, सबसे पहले क्या आएगा ए उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगी हम उसको वेयर हाउस में रखेंगे तो दूसरा हमारा आ जाएगा बी एंड देन सी अब यहां पर थोड़ी सी देखिए एम्बिग्यूटी आपको जरूर हो सकती है और एंड में ट्रांसपोर्टेशन आएगा सो ए बी सी डी इसका आंसर हो सकता है या फिर इसका आंसर आपका ए सी बी डी भी आप एक सेंस में कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि दोनों ही शायद आंसर ना हो क्योंकि यहाँ पर एक एम्बिग्यूटी है एम्बिग्यूटी क्यों है क्योंकि इन्वेंट्री और बेयर हाउसिंग ये लगभग एक ही स्टेप है इसको अगर आप हाँ सीक्वेंस में लगाएंगे तो एक कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको होगा कि इन्वेंट्री को पहले रखें या फिर हम वेयर हाउसिंग को जो है वो पहले रखें इन दोनों में से कौन सा जो फैक्टर है वो पहले हम यहाँ पर रखें राइट ये एक कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि बी पहले आएगा या सी पहले आएगा तो इसलिए थोड़ी सी एम्बिक्यूटी यहाँ पर है हम यहाँ पर ए बी सी डी के साथ भी जा सकते हैं या फिस के साथ भी जा सकते हैं बट देर इज एन एम्बिक्यूटी क्योंकि बी और सी को हम एक स्टेज पर जो है वो रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चैनल्स और लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स के कौन कौन से चैनल्स चे, हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स या फिर चैनल्स हमें यहाँ पर बताने हैं तो देखिए ऑप्शंस दिया गया है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल और जीरो लेवल चैनल ड्यूअल लेवल चैनल और सिंगल लेवल चैनल एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्स फ्लो चैनल एंड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सो डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल्स या फिर चैनल्स हमें यहाँ पर बताने हैं तो वो कौन कौन से होंगे तो देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है राइट जीरो लेवल चैनल भी जिसको हम बोलते हैं इसके अलावा डिओ लेवल चैनल्स भी होते हैं जिसको हम सिंगल लेवल चैनल यहाँ पर बोल सकते हैं राइट right? इसके बाद रिवर्स फ्लो चैनल ही भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल या फिर चैनल हो जाता है सो ए बी एंड डी ये हमारा यहाँ पर राइट right आंसर होगा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है यू कैन से दैट कि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन और सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन के ही पार्ट्स हैं लेकिन ये लेवल्स नहीं है दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज राइट right? हमारे पास ये जो स्ट्रैटेजीज होते हैं इसको हम ट्रायो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं जिसमें हमारे पास इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन आता है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आता है और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन आता है सो so ये तीनों ही क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज है ना कि लेवल राइट तो इसलिए यहाँ पर हम सी और ई e को एक्सक्लूड कर देंगे और राइट right आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है लिस्ट वन में हमारे पास ऑफ सर्विस क्वालिटी है सबसे पहले बोला गया है प्रोविजन ऑफ केयरिंग इंडिविजुअलाइज अटेंशन टू कस्टमर राइट द प्रोविजन ऑफ केयरिंग इंडिविजुअलाइज अटेंशन टू द कस्टमर ये क्या होता है हमारा दिस इज कॉल्ड एमपेथी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इक्विपमेंट स्टाफ

एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबनेस तो so यहां पर जो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डेवलप्ड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस यानी कि पेस्ट एनालिसिस को किसने डेवलप किया है ये हमें यहां पर बताना है ऑप्शन हैं जॉनसन एंड स्कोल्स मिन्सवर्क माइकल पोर्ट्री या फिर पीटर ड्रक तो इस क्वेश्चन में यहां पर एमबीग्यूटी है इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसने पेस्ट एनालिसिस को डेवलप किया है पेस्ट एनालिसिस को डेवलप किया था फ्रांसिस एग्योलर ने तो जिनका नाम यहाँ पर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है एक एमबी एमबीसिस क्वेश्चन है एमबीग्यूटी है इस क्वेश्चन में राइट right? क्योंकि यहाँ पर ही नहीं गया है वो नाम जिसने पेस्ट एनालिसिस को डेवलप किया है सो आप यहां पर याद रख सकते हैं फ्रांसिस ने पेस्ट एनालिसिस को डेवलप किया है नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द स्टेप्स ऑफ पेस्ट एनालिसिस इन प्रॉपर सीक्वेंस तो पेस्ट एनालिसिस को हमें सीक्वेंस में यहां पर लगाना है

राइट right? सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेंड्स right? मार्केट तो बेसिकली हमें ट्रेंड्स ही यहाँ पे देखने होते हैं राइट right? उसके बाद स्टिल लाइवली इशूज फ्रॉम द आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स राइट तो जो भी ट्रेंड्स में वर्निंग इशूज हैं उनको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे राइट right? बी के बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप आएगा फोरकास्ट डायरेक्शन ऑफ इशूज रेलिवेंट इशूज हमें यहाँ पर मिले स्टेप बी में फिर हम देखेंगे कि उनकी क्या डायरेक्शन फ्यूचर में हो सकती है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनकी जो इम्प्लीकेशन है वो क्या होंगी सो राइट सिंक्वेस्ट हमारी यहाँ पर बन रही है ए टी बी डी एंड ई सो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट right आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन प्रॉपर सीवेंस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की प्रोसेस को हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है ऑप्शंस दिए गए हैं डिफाइन मिशन एंड सेट ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन स्ट्रैटेजिक इश्यूज देन एनालाइज एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप न्यू और रिवाइज स्ट्रैटेजीज एंड डिटर्माइन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्लान राइट तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या स्टेप आएगा बहुत इजी क्वेश्चन है सबसे पहले हम हमारा जो मिशन है और ऑब्जेक्टिव है उसको सबसे पहले सेट करेंगे फिर हम देखेंगे कि जो हैं वो क्या-क्या एनालाइज द एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज राइट देन वी विल डेवलप न्यू एंड रिवाइज स्ट्रेटेजीज और जो हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा उसको डेवलप करेंगे और लास्ट में हम प्रिपेयर करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे सो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू

और ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं कम्युनिकेटिंग सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप सो वेरी इजी क्वेश्चन इज इज दिस एंड द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर टू विच इज सर्विस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कैन ब्रांड एक्सटेंशन नॉट फेल तो बोला जा रहा है कि ब्रांड एक्सटेंशन कौन सा ऐसा सिनेरियो है जिसमें कभी फेल नहीं हो सकती राइट ऑप्शंस दिए गए हैं इफ विदाउट ऑफरिंग एनी फंक्शनल और साइकोलॉजिकल एडवांटेज Two is if extension is done considering that it is less costly than alternative launch strategy. Third is if management do not provide enough funds believing that spin off effects from original brand name will compensate.

इसी इस तरह से उन्होंने और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए डेटोल के ही नाम से जैसे तो ब्रांड एक्सटेंशन वो कब फेल नहीं होगा जब जो कस्टमर है वो एग्जिस्टिंग ब्रांड का जो क्वालिटी एट्रीब्यूट है उसको नए प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर देगा तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर

स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के और ये तीन मोड्स हैं हमारे ऑनटरप्रोरियल मोड प्लानिंग मोड एंड एडेप्टिव मोड ये वाला मोड नहीं होता है so इसलिए हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ए बी सी ओनली यानी कि ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन टू वन मार्केटिंग जिसको हम रिलेशनशिप मार्केटिंग भी बोल देते हैं डज नॉट इंक्लूड तो रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या नहीं आएगा ये हमें बताना है ऑप्शंस दिए गए हैं आइडेंटिफाइंग द कस्टमर डिफ्रेंशिएटिंग द कस्टमर लॉयल कस्टमर्स आर चीपर टू सर्व एंड इंटरक्टिंग विद कस्टमर तो देखिए रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है जिसमें हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं हमारे कंज्यूमर्स के साथ तो उसमें हम कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे डिफ्रेंशिएट भी करेंगे उनके साथ इंटरेक्ट भी करेंगे लेकिन लॉयल कस्टमर्स आर चीपर टू सर्व ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट है एक असर्शन है ये कोई एक्टिविटी नहीं है तो इसलिए तीसरा जो यहाँ पर ऑप्शन है ये नहीं आएगा राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिटिकल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन रिलेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटिटीज एफेक्टिंग सो इससे आसान क्वेश्चन देखिए नहीं हो सकता है ऑप्शन द गैप एनालिसिस 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 एंड वैल्यू चेन एनालिसिस आपको क्या बोला जा रहा है स्ट्रेंथ वीकनेसिस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है एक तरह से आंसर इस क्वेश्चन में राइट आंसर विल बी स्वॉट एनालिसिस ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर कुछ कंज्यूमर मोटिवेशन दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनका मीनिंग है यहां पर पर मेंशन है है लिस्ट बन में कंज्यूमर 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 नीड्स मोटिवेशन परसेप्शन एंड इमोशंस तो हमें इनको यहां पर मैच करके बताना है कि राइट right आंसर क्या होगा मीनिंग से हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग को सबसे पहले पढ़ते हैं तो सबसे पहले बोला जा रहा है द प्रोसेस वाई विच वी सिलेक्ट ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट इनपुट्स टू क्रिएट मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड तो ऐसी प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम जो भी इनपुट्स हमें आते हैं हमारे एनवायरमेंट से उनको हम सिलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरप्रेट करते हैं सो so दैट जो हमारे अराउंड एक वर्ड है उसकी एक मीनिंगफुल पिक्चर हम क्रिएट कर सकते तो उसको बेसिकली हम परसेप्शन बोलते हैं तो सी के साथ फर्स्ट को हम यहां पर मैच करें कर देंगे इट इज कंज्यूमर परसेप्शन नेक्स्ट इज अ मेंटल स्टेट दैट स्पॉन्टेनियसली एंड रिफ्लेक्ट पीपल्स पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक ऐसी मेंटल स्टेट जो स्पॉन्टेनियसली अराइज होती है जिसकी हेल्प से लोग जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन करते हैं किसके लिए जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाय आते हैं उसको दिस इज कॉल्ड इमोशन राइट सो कंज्यूमर इमोशन के साथ हम इसको मैच करेंगे देन हैव व्हेन डायरेक्टेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स नीड जब आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं जो जो आपकी स्पेसिफिक नीड को सेटिस्फाई कर सकता है दिस इज कंज्यूमर मोटिवेशन एंड व्हेन अराउस्ड टू सफिशिएंट लेवल टू ड्राइव वन टू एक्ट राइट right? आप एक्ट करते हो क्योंकि कोई ना कोई नीड है वहां पर राइट वेन अराउस टू अफिशियंट लेवल टू ड्राइव तो इसको क्या बोलेंगे कंज्यूमर नीड्स तो राइट right आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द स्टेप्स ऑफ बाइंग प्रोसेस और कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन योर ऑप्शन आर नीड रिकॉग्निशन इवेलिए ऑफ अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन सर्च परचेज एंड पोस्ट परचेज इवेल्युएशन ऑफ डिसीजन तो जो हमारी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है सबसे पहले उसमें क्या आता है, है हमें नीड रिकोग्निशन करनी होती है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड सेकेंड स्टेप आएगा हमारा इंफॉर्मेशन सर्च यानी कि सी देन इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स बी Then, फिर हम परस करते हैं और उसके बाद आता है हमारा पोस्ट परचेस डिसीजन ए सी बी डी ई ये हमारी सीक्वेंस रहती है राइट right आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री ए सी बी डी ई नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग ब्रांड इक्विटी आर सो ब्रांड इक्विटी को अगर हमें मेजर करना है तो उसके कौन से तीन मेथड्स हैं कौन से तीन कॉमन मेथड्स हैं ये हमें बताना है ऑप्शन है यहाँ पर कॉस्ट अप्रोच

मेथड, राइट, एंड बिजनेस अप्रोच भी हैं पर कोई मेथड नहीं है सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर वन विच इज ए सी एंड डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइडिंग ए मार्केट इंटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर who might require separate products or marketing mix is called so question mein kya bola ja raha hai yahan par ki jab hum market ko distinct group of buyers mein divide kar dete hain kis base pe needs characteristics and behavior right to use hum kya bolte hain ki ab wo market segment hai market segmentation hai market targeting hai ya fir market positioning hai to dekhiye clearly pata chal raha hai ki what it is right market targeting obviously ये नहीं होगा. राइट right? पोजिशनिंग नहीं है तो दो तो आप एलिमिनेट कर दीजिए नाउ यू मे बी इन मार्केट और तो ये जो पर बोला जा रहा है दिस इज सिगमेंटेशन मार्केट सिगमेंट क्यों नहीं होगा क्यों बिकॉज मार्केट सिगमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग सिगमेंटेशन प्रोसेस और इस स्टेटमेंट में जो बात करी जा रही है वो एंड रिजल्ट की नहीं करी जा रही है वो प्रोसेस की करी जा रही है सो हेअर अवर राइट आंसर वुड बी मार्केट सिगमेंटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग कम्पोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटी फॉर ए फॉर्म अकॉर्डिंग टू आइगर एंड सॉफ्ट एनसॉफ्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से कम्पोनेट्स है स्ट्रेटेजी के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए है, so, हैं प्रोडक्ट मार्केट स्कोप ग्रोथ वैक्टर कंपिटेटिव एडवांटेज एंड सैनर्जी देखिए यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं प्रोडक्ट मार्केट स्कोप ग्रोथर साइनर्जी एंड कंपिटेटिव एडवांटेज चारों के चारों ही हमारे अकॉर्डिंग टू आइगर एंड सॉफ्ट स्ट्रेटेजी के कम्पोनेंट्स हैं राइट आंसर हमारा बनेंगा ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन मार्केटिंग इंक्लूड तो ग्रीन मार्केटिंग में क्या नहीं आएगा ऑप्शन है हमारे मोबाइल रिटेलिंग ओमनी चैनल रिटेलिंग रिटेल कंसोलिडेशन या फिर इंक्रीजिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी तो देखिए ग्रीन मार्केटिंग की बात यहाँ पर करी जा रही है ग्रीन मार्केटिंग में जहां पर हमारा फोकस एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसके ऊपर बेसिकली रहता है राइट right? सो so, कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन है जो हमारे आएंगे सो देखिए मोबाइल रिटेलिंग का क्या मतलब है जब विद हेल्प ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी हम रिटेलिंग करते हैं यानी कि परचेज और सेल करते हैं सो ग्रीन मार्केटिंग में आ जाएगा राइट right? क्योंकि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं जिससे एनवायरमेंट खराब हो इसके अलावा ओमिनी चैनल रिटेलिंग ओमिनी चैनल रिटेलिंग का हमारा मतलब होता है एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और जो डिजिटल चैनल्स हैं उनको भी हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको भी हम मान सकते हैं नॉट कम्प्लीटली बट यस रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली हमारे ग्रीन मार्केटिंग में आएगा रिटेल कंसोलिडेशन बिल्कुल ई है यहाँ पर राइट right? इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर फोर क्योंकि बाकी तीनों चीजों में कॉमन क्या है इस टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी कैन बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली राइट टेक्नोलॉजी का एलिमेंट मोबाइल रिटेलिंग में भी है इंक्रीजिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में भी है और ओमनी चैनल रिटेलिंग में भी है लेकिन रिटेल कंसोलिडेशन में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ये ग्रीन मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मार्केटिंग की कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया आई होप आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा आपकी एक अच्छी लर्निंग एक अच्छी प्रैक्टिस इससे हुई होगी जो आपकी आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विश यू ऑल द वेरी बेस्ट